पहचानते हो ना इसे, पहचानते हो ना, यही है जो काम करवाता है, और ना किसी की हिम्मत नहीं हम तो कोई काम करवा दे। ये डेंजर हथियार है भैया, बच के भूलना नहीं। अकेले पन से कहाँ तालमेल होता है, खिलाड़ी इश्क में दो हो तो खेल होता है। ना लेना इश्क के पर्चे में 100 से कम नंबर, यहाँ 99 वाला भी फेल होता है। वीडियो पे नहीं था वो, अच्छा उस मोड में भी हो जाता है। तो दोस्तों सूरत हाल ये है कि अभी हमारी कैंप साइट पे आ गई है बारिश, पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल सकता है। और यहाँ बारिश है ही नहीं, और यहाँ देखो बारिश नहीं है। तो हमारी उस साइट पे ब्रेकफास्ट हो गया है, बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा दिया हमने। ब्रेकफास्ट तो सुबह करा दिया था हमने, छोटा सा यार, छोटा सा स्नैक करा दिया कि ताकि बच्चे शांत रहे। वो देखो जगह क्या सही है, वो सामने ना घुसा दो गाड़ी, खाना बना हुआ बैठ के। तो अब हम जा रहे हैं किसी दूसरी लोकेशन पर जहाँ बारिश ना आ रही हो, और वहाँ पर हमारा बनने वाला है लंच, गोभी के पराठे विद दही। पानी आ गया मुंह में। तो चल पड़े यहाँ से हम, और पहुँचते देखो वहाँ कब तक पहुँचते हैं। मौसम बहुत ब्यूटीफुल है, बाकी कभी भी बदल जाता है यार पहाड़ों का मौसम, तो कोई क्या ही बोल सकता है। फोन आ गया एक, तो चलो फिर करते हैं बात। तो दोस्तों हमें मिल गई है हमारी कैंपिंग की जगह, ये हमने अपनी गाड़ी लगा दी है, ये बच्चों ने अपना बेड वेड सेट कर दिया है, और ये है हमारी कैंपिंग की जगह। और यहाँ बनने जा रहे हैं अब गोभी के पराठे। हाय हाय, कम से कम गोभी के पराठे तो आपने कभी कैंपिंग में नहीं बनाए होंगे। पर क्योंकि हम पंजाबी हैं तो हमें हर तीसरे दिन, हम चाहे जितना मर्जी हेल्दी डाइट ले लें, हमें तीसरे दिन तो ऐसी खुरक मचती है ना पराठों की। पर हमारे पराठे भी हेल्दी होते हैं क्योंकि हम उसमें इतना ज़्यादा घी लगाते ही नहीं है। घी पराठे पर घी लगा के जब हम उसको जलाते रहते हो ना करारा करने के लिए, तो वो बनता है जहर, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मली बना लो उसको बिना जलाए घी को, और बाद में चाहे उसके ऊपर आप कच्चा घी रख के खाओ, वो बहुत हेल्दी है। तो ये है हमारी साइट जहाँ बनेगा गोभी का पराठा। ये अगेन एप्पल के बाग, एप्पल ही एप्पल है, एप्पल का सीज़न है तो एप्पल ही एप्पल है। तो अभी मेरे को करना है, टेढ़ा है वैसे लग रहा है, मूली को कसना है, पता नहीं क्या कहते हैं आपकी भाषा में, गोभी को कद्दूकस करना गोभी को। मूली बोला मैंने, मूली के पराठे मेरे फेवरेट है, इसलिए बार बार वो भी मुझसे निकल रहा है। ये चॉपिंग हो रही है प्याज की, हो और क्या, ये गिरा दी बोतल बच्चों ने, चलो अब मुझे भी थोड़ा काम कर लेने दो भैया, वरना मुझे पराठा मिलेगा नहीं। ठीक है फिर बताता हूँ आगे क्या हुआ। और जैसा कि आप देख रहे हैं लक्की गोभी को कद्दूकस करते हुए, किस ब्यूटीफुल साइट पे, ये भी देखिए, वेरी गुड, वेरी गुड बॉय। पूरी गोभी कद्दूकस करनी है। डिंग 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 डिंग, दिखाएं जरा शक्ल। I'm so happy. लग नहीं रहा। I'm happy. I know. Happy रहना चाहिए, नहीं तो पराठा नहीं मिलेगा। मिर्ची, ओह
व्हाट इज दिस? चाट मसाला। जिंदगी का मजा तो खटाई में ही है। आने आपकी राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल हो गई है पहले से। दिखाओ शक्ल जरा। शक्ल भी ब्यूटीफुल सी लग रही है ना? आपकी राइटिंग बहुत गंदी है। शक्ल दिखाओ जरा। पर शक्ल बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी शक्ल है आपकी। नहीं, राइटिंग बहुत अच्छी है, मेरे को अच्छी लग रही है। जोक कर रहा हूँ। पेट में गया बोला। तो पेट भी मार सकती हूँ मैं। कमाटा। ये पराठा बन रहा है एना का। नहीं मैं नहीं खा रही। खाना पड़ेगा। तो यहाँ ये छोटा वाला मैं खा सकती हूँ। मोमो है। अच्छा पहले पेड़े बना ले। मोमो। एक पेड़ा। अरे वो कह रहा था वो वाला आटा जो है वो 10 kg के पैक में आता है, दूसरा यही होता है। मैं कहा चाहिए दूसरी शॉप से ट्राई करने के लिए। सैलड बनाएंगे रे, सैलड बनाएंगे, फिर उसको खाएंगे रे, सैलड बनाएंगे। डर को काट रही है। बहुत थोड़ा सा पहले, सबसे पहले बच्चों को डाल देंगे। पंजाबियों दी बल्ले बल्ले। ये प्लेट बन गई है भाई भैया आन्या की। आन्या गरम गरम पराठा सैलेड। ना जल्दी हटाओ गाइस, ये दही लिया था हमने, पता नहीं इसमें कद्दू क्यों बना हुआ है। अभी इसको खोल के देखना पड़ेगा कि फटी ना जाए। चेक करते हैं दही का क्या हाल होगा। अरे धुएं उठ गए, धुएं उठ गए। खा के बताना। कैसा लगा भैया जंगल में पराठा? नजारे पूरे पूरे। अब आपको इसके बाद पिलाएंगे हम जीरे वाली लस्सी, छाछ, छाछ पिलाएंगे। छाछ तो पराठा खा, फिर तेरे बारे में बात करते हैं लस्सी के बारे में। नो लस्सी नो। है ना? पापा आन्या को चाह दी है मुझे टी। आन्या लगना चौदह। कोई नहीं, आपको दो और दूंगा। गिनते नहीं है ऐसे, जितना मर्जी खाओ। ठीक है ओके। हॉट तो है। तो दोस्तों ये चल रहा है टिपिकल पंजाबी लंच, गोभी के पराठे। कर्ड हमारा ख़राब हो गया है, ख़राब क्या हो गया, खट्टा हो गया है, तो उसकी हम लस्सी बना लेंगे। वैसे कुछ नहीं करना। गोभी के पराठे, शिखा के हाथ के गोभी के पराठे, ब्यास के किनारे। ये है हमारा ब्यास रिवर। ओए होए, ये इस लोकेशन पर हम हैं। तो अभी मैं तो चला पराठे खाने, उसके बाद ही आपसे बात कर पाऊँगा। भैया मेरे मुँह में आ रहा है पानी। He flipped the paratha with his own hands. Such a danger man. ये बना रहे हैं बड़ा खतरनाक परांठा, क्योंकि जो बंदा बना रहे वही खतरनाक है इतना। मैं पहले ढाबे पे काम करता था।
पराठे तो बहुत खाए हैं, लेकिन जो इस लोकेशन पे खाने का मजा आ रहा है ना, अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है। तो दोस्तों, ताज़ा सूरत हाल ये है कि अब चल रहा है चाय राउंड। पराठे हो गए गोभी के मस्त वाले, जो कर्ड थी उसको पता नहीं क्या हुआ, वो ख़राब हो गई, छाछ बना के पी ली, और अब चल रहा है चाय राउंड। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो गई, वर्कआउट भी हो गया, पेट पूजा भी हो गई, चाय भी चल रही है, और अब आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करते जाओ बस, दुनिया दिखाना मेरा काम, आपका काम सिर्फ सब्सक्राइब करना और ऐसी ब्यूटीफुल लोकेशंस दिखाना मेरा काम। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, शेयर करो और कमेंट करो, ऐसे वीडियो आपको मिलते जाएंगे, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कुलीग के साथ, गैंग के साथ, हर तरीके का फ्लेवर आपको दिखेगा इस चैनल पर, बस आपको सब्सक्राइब करना है। तो इस चाय की चुस्कियों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, प्रॉपर चाय है भैया, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो आप भी चाय की चुस्कियाँ लो और इन नज़ारों का लुत्फ उठाओ। कल मिलेंगे हम एक नई जगह पर, एक नई लोकेशन पर, एक नए मेन्यू के साथ। तब तक गुड नाइट, अपना ध्यान रखें, सबको खुश रखें, खुद भी खुश रहें, और इन्हीं दुआओं के साथ छोड़े जा रहा हूँ। लक्स ऑन द ट्रेल आपका फिर से स्वागत करता है, बाय।